हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। एक्स ग्रेसी की रूल नंबर 29 तक मैं कई 7 वीडियो बना चुका हूँ। नहीं देखी है तो आपको आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप आई बटन में वीडियो देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। दूसरा, मेरा एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें केवल कर्मचारी, लगभग 10,000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं, सरकारी कर्मचारी जो हरियाणा के हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाओ, क्योंकि इस चैनल पर आपको सर्विस सोल्यूशन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। और कोई भी सर्विस रूल चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मैसेज कर देते हो, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। हो सकता है आज मैसेज किया, रिप्लाई कल मिले, क्योंकि कई बार मैसेज ज़्यादा हो जाते हैं या टाइम नहीं होता तो हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई दूँ। तो जो भी कुछ पूछना होता है मुझे पूछते हैं, मैं बताता हूँ, ग्रुप में भी आपको पता चल जाएगा। तो जुड़ना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर जुड़ जाओ आप। आज बात करेंगे हम एक्सग्रेसिया के रूल नंबर 30 की। इससे पहले के रूल बता चुका हूँ, पुराने वीडियो में देख लेना, आई बटन में वीडियो है। ये है जी, जुड़वा बालकों को अनुगम्य वित्तीय सहायता, मतलब किसी कर्मचारी के बच्चे जुड़वा थे, ठीक है, और कर्मचारी की डेथ हो गई तो कैसे होगा, तो ये क्या होगा। 30 नंबर रूल क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जब जुड़वा बच्चे, मतलब कि पहला ही बच्चा जुड़वा हो गया, तो उनको बराबर है एक्सग्रेसिया की राशि मिलेगी। और बच्चों को कब मिलती है, जब उनकी मदर एलिजिबल ना हो, जब बच्चों को मिलती है। तो यहाँ पे जुड़वा बच्चों का केस है, इसका मतलब मदर बीच में नहीं है, तो पहले पिता के बाद मदर, मदर एलिजिबल नहीं तो बच्चे। तो अगर जुड़वा बच्चे हो पहले तो उन बच्चों को बराबर मिलेगा, लेकिन मान लो जुड़वा बच्चे थे, एक बच्चा पात्रता के एक बच्चे की समाप्त हो जाती है, या उस बच्चे की डेथ हो जाए कुछ साल के बाद हो जाए, या वो एलिजिबल ना रहे किसी भी तरीके से, अगर एक बच्चा पात्र नहीं रहता है तो उसका जो भाग था वो उसी के जुड़वा वाले भाई को दे दिया जाए, लेकिन वो जो बच्चा है दूसरा उसको पूरी राशि मिलेगी। लेकिन ऐसा भी केस होता है जब दोनों ही बच्चे अनुकंपी वित्तीय सहायता की पात्रता समाप्त हो जाती है, कि मान लो डेथ हो जाए या कोई और रीजन हो कि वो दोनों ही अनुकंपी वित्तीय सहायता के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर जो उस जुड़वा बच्चे के बाद जो अगला बच्चा है, एकल बच्चा या जुड़वा बच्चा, उसके अगले भी जुड़वा हो सकते हैं, तो जैसी भी स्थिति होगी फिर उनको अनुकंपी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस तरीके से ये वाला केस है। इसके बाद है जी ये 31। अब 31 में थोड़ा समझना, अब ये केस है 31, अगर किसी के बच्चे नाबालिग हैं तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या इसमें लिखा है, कि जो कर्मचारी था उसकी विधवा या दूर, क्योंकि कर्मचारी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, अगर उनके पुनर्विवाह या मृत्यु की दशा है तो जो अनुकंपी वित्तीय सहायता है तो उन नियमों के अधीन क्या होगा, जो अवयस्क मतलब जो अडल्ट नहीं है, बच्चे 18 साल से कम है, उनको भुगतान किया जाएगा, वो भुगतान के लिए योग्य है, तो उनको उनके नैसर्गिक संरक्षण संरक्षक मतलब जो भी उनकी देखभाल कर रहा है यदि कोई है तो उनके माध्यम से, और अगर ऐसा नहीं है तो वस्तुतः संरक्षण के माध्यम से एक बॉन्ड बनाया जाएगा, उस बॉन्ड के थ्रू किसी को भी जो उनका सगा संबंधी है, जो भी कहेगा मैं इसका रखूंगा, इसका ध्यान या जो भी उसको पालन पोषण कर रहा है, उसके माध्यम से उनको 18 साल के होने तक इसका भुगतान किया जाएगा। भुगतान विधि के न्यायालय द्वारा नियुक्त विधि संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा, मतलब कोर्ट के थ्रू ये काम होगा उसमें। और ये जो बंध पत्र का नमूना है वो SCFF 6 पर उपलब्ध है, वो नीचे इसी PDF में आगे मिल जाएगा। और कल कोई PDF मांग रहा था जी PDF दे, तो इस PDF को मैं मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप मैंने कर्मचारियों को बनाया है इधर जो मैं बता रहा हूँ उसमें, इसको डाल दूंगा, आप भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ इसको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, और कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। अगला है, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप बच्चा है और उसके मृतक कर्मचारी का मतलब पुत्र या वो पुत्री कोई फिजिकल हैंडीकैप है, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित, ध्यान देना ये केवल फिजिकल हैंडीकैप वाले केस में है, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, अगर ऐसा कुछ है या कोई जो ऐसा कोई रोग है जो मानसिक निःशक्त मतलब थोड़ा पागल या कुछ भी कह सकते हो, मंदबुद्धि, मानसिक संतुलन ठीक ना हो, ऐसे अगर केस में है जो अपना आजीविका अर्जन करने में असमर्थ है, तो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो वो, उनको इस नियम के अनुसार इनको दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा देखो, जहां पे सरकारी कर्मचारी के दो या दो से अधिक उत्तरजीवी बालक है, उनमें से एक बालक इस केस में है, यानी कि हैंडीकैप है या कुछ और इशू है, तो अरे असमर्थ है, मतलब मेन बात है वो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है, तो अनुकंपीय जो वित्तीय सहायता है वो प्रारंभ की जाएगी किससे, जो शारीरिक रूप से उपयुक्त बालकों से बड़े या सबसे बड़े बालक को, जब तक भुगतान योग्य होगी, जब तक वह उसके लिए अपात्र नहीं हो जाता। मतलब क्या हुआ इसका, देखो इसमें ये लिखा है जो फिजिकल हैंडीकैप है, अगर मान लो वो उससे बड़े दो बंदे हैं, दो भाई हैं उनके, बहन है जो भी है, दो उससे बड़े हैं और वो सही सलामत है, तो सबसे पहले दिया जाएगा सबसे बड़े बच्चे को जो सही है, शारीरिक रूप से सही है,
उसको जब तक पैसे मिलेंगे ये, जब तक वो इस वित्तीय सहायता के लिए अपात्र नहीं हो जाता। उसके बाद फिर जो उसके बाद बचा, सही सलामत वाला जो बच्चा है जिसको कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, फिर उसको दिया जाएगा। फिर उसको जब तक मिलेगा, जब तक वो अपात्र नहीं हो जाता। उसके बाद फिर ऐसे करते करते जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक है, उसको जब मिलेगा, जब उससे बड़े वाले सारे अपात्र हो जाएंगे, तो फिर उसके ऊपर प्रारंभ कर दी जाएगी, जब तक वो बच्चा पात्र अवधि है, जब तक उसको दिया जाएगा, ठीक है, शारीरिक रूप से वाला। उसके बाद जो बच्चा शारीरिक रूप से फिजिकल हैंडीकैप है, फिर उसको ये जो चीज है वो मिलेगी, अशक्त बालक के रूप में प्रारंभ कर दी जाएगी। और उसके संरक्षक के माध्यम से, मतलब जो उसको रखेगा, जो उसका देखभाल करेगा, जो उसका संरक्षक है, उसके माध्यम से ये पेमेंट है वो उसको मिलती रहेगी। और जब तक मिलेगी, जब तक वो वयस्कता की आयु को पूरी कर ले, जब तक तो मिलेगी संरक्षक के माध्यम से। और जिस दिन वे 18 साल के हो जाएंगे, उसके बाद फिर उनको मिलेगी खुद उनके ऊपर, फिर किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं रहेगी बीच में। और भाई जो फिजिकल हैंडीकैप है, उसके लिए क्या है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि भाई ये हैंडीकैप है, या कोई और बीमारी जिसको है, कि भाई ये आजीविका जो है ना अपने अर्जन करने में असमर्थ है, और पूर्ण रूप से मृतक सरकारी कर्मचारी पर आश्रित था, ऐसा कुछ बताना पड़ेगा। सिविल सर्जन, ये देखो यहाँ पे बताया भी है कि जिले के सिविल सर्जन के अध्यक्षता में बोर्ड का परीक्षण होगा। उसके बाद फिर इसमें आगे कुछ ये है, पीजीआई अपील करता, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो पीजीआई चंडीगढ़ या पंचकूला रोहतक में, फिर चंडीगढ़ पंचकूला के रहने वाले हैं वो सामान्य अस्पताल चंडीगढ़ 16 में, एम्स है जो इसका उसमें, मतलब ये बताया गया है चिकित्सा बोर्ड कहाँ पे है, वो बाद की बात है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के यही है। अब निम्नलिखित किसी प्रकार के 40% से अधिक क्षति लाभ के लिए पात्र है, कैसे? 40% जो फिजिकल हैंडीकैप है, किस किस दिशा में? दृश्य मतलब जो विजुअली हैंडीकैप है, गति विषयक, ये क्या होता नहीं पता मुझे, बोलने और सुनने में जो गूंगा बहरा हो, या मानसिक रूप से दिक्कत हो, वो गति विषयक शायद वो होता है, जो चलने फिरने में असमर्थ हो वो होता है मेरे हिसाब से। मतलब 40% फिजिकल हैंडीकैप अगर आप हो, तो आप इन चार कैटेगरी में अगर आते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और मानसिक रूप से मंदित जो बालक है, अनुकंपी वित्तीय सहायता जो है वो उस बच्चे को नहीं मिलेगी, वो मिलेगी जो उस जो मृतक सरकारी कर्मचारी उसके द्वारा नामांकित जो भी व्यक्ति जिसने उसका नाम दे रखा है कि भाई इसको मिलनी चाहिए, तो वो उसको उसके थ्रू मिलेगी, उस बच्चे को जो मंदबुद्धि है उसको, ठीक है। ऐसा कोई नामांकन जिन काल में, अगर किसी ने, ऐसा भी हो सकता है कि जो कर्मचारी है उसने किसी का नाम ही ना दिया हो, तो फिर क्या होगा? तो बाद में जो सरकारी कर्मचारी के पति पत्नी द्वारा नामित जो व्यक्ति होगा, पत्नी के द्वारा अगर कोई ऐसा नॉमिनेशन दिया जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा। इस तरीके से इसमें है। आश्रित जो नेत्रहीन या अविवाहित हो, चाहे, देखो, आश्रित नेत्रहीन पुत्र पुत्र, अविवाहित नेत्रहीन पुत्री पात्रता की तिथि तक चिकित्सा बोर्ड से इस चीज का लाभ ले सकते हैं, चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर। बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के जो है वो सिर्फ एक ही बार अनुकंपित वित्तीय सहायता उनके लिए स्वीकृत की जाएगी। और जब नेत्रहीन जो बच्चा है, पुत्र है, वो 25 वर्ष या इससे अधिक के बाद रोग मुक्त हो जाता है, 25 वर्ष या इससे अधिक के बाद रोग मुक्ति अगर उसका हो जाता है, जीवन जीने की आजीविका के लिए समर्थ हो जाता है, तो फिर ये चीज उसकी बंद कर दी जाएगी, ठीक है। और जब तक जारी रखी जाएगी, जब नेत्रहीन पुत्री बाद में रोग मुक्त हो जाती है तथा अर्जन करने के लिए योग्य बन जाती है, या वो अपना आजीविका ना आरंभ कर देती है, या उसका विवाह हो जाता है, जो भी पहले हो, क्योंकि अविवाहित को ही मिलेगा ये, तो जो भी चीज पहले होगी, या तो वो कमाने लग जाए, या वो ठीक हो जाए, या उसकी विवाह हो जाए, जो चीज पहले होगी उसको उस टाइम तक ही एक्स ग्रेशिया की राशि मिलेगी। एक से अधिक जब बच्चे हैं, अगर ऐसा केस एक से अधिक का है फिजिकल हैंडीकैप का, या भाई जो भी केस है, अगर एक से अधिक है, तो उनको फिर क्या होगा? पहले कनिष्ठ, उनमें से कनिष्ठ को केवल उपरोक्त अग्रिम पात्रता, यानी सबसे पहले बड़े को मिलेगा, फिर उससे छोटा जब वो हो जाएगा, उसमें वो, मतलब वही सेम चीज चलेगी, बड़ा छोटा ऐसे करके, ठीक है, वही चीज चलेगी। अब कई बार केस होता है कि कोई कर्मचारी अनमेरिड था और उसकी डेथ हो जाती है। मेरे पास ऐसे कई केस आए, मेरे पास रोहतक का भी आया था एक, तो वो लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया था, तो उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसका भाई था, मम्मी पापा थे, भाभी थी, तो उसने कहा जी कुछ हो सकता है, और प्लस एक दिक्कत और थी, 5 साल भी पूरे नहीं हुए थे। तो फिर मैंने उसको कुछ पढ़ उड़ के बताया, उसको कुछ सलाह भी दी, एक दो के नंबर भी दिए भाई इससे, तो उसने भी खुद अपने लेवल पर रिसर्च करी, तो मैटर कुछ निकल के आया, तो उस केस में ये डेफिनेशन काम आएगी। क्या है? देखो 33, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
कि अगर कर्मचारी भाई मैरिड नहीं है, या हो सकता है मैरिड था लेकिन पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाए, बच्चे हुए नहीं थे, यानी कि जब माता पिता ही आश्रित हैं उसके, तब क्या होगा? तो देखो, जहां अनुकंपे वित्तीय सहायता आश्रित माता पिता को भुगतान के योग्य, अगर जहां पे ऐसा केस है कि मम्मी पापा को देनी है ये एक्स ग्रेशिया की, तो सबसे पहला हक होगा माता का, यानी कि जो उसकी मदर थी उसको भुगतान योग्य। अगर वो पात्र नहीं है, या वो उसकी मृत्यु हो जाए, या वो अपात्र हो जाए, ठीक है, अपात्र कई केस में हो सकता है वो ही नौकरी लग रही हो सरकारी, उसकी मदर, ऐसा भी हो सकता है, तो वो पात्र नहीं है फिर। तो ऐसा जब केस हो जाता है कि माता पात्र नहीं है या मृत्यु हो जाए, तो फिर जो भी उसकी जिस डेट तक वो मिलनी है, यानी कि जो कर्मचारी रिटायरमेंट उम्र है उस तक, तो फिर उसके पिता को उस चीज का भुगतान होगा। और जहां माता पिता दोनों अलग अलग रहते हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया हो, या हम वो कहते हैं कि अलग रहते हो, तो फिर जो अनुकंपे वित्तीय सहायता है उसको बराबर हिस्सों में दोनों जगह बांट दिया जाएगा। ये केस है जब सरकारी कर्मचारी की जो वो चीज होती है भाई, पात्रता ना हो अगले की, तो मम्मी पापा के लिए। लेकिन जब 5 साल से कम की बात आती है तो वो केस अलग होता है, वो केवल 12 साल तक मिलता है, और वो भी कुछ राशि मिलती, पूरी भी नहीं मिलती, और मम्मी को मिलती है वो। ठीक है, वो केस था एक, वो भी बताऊंगा कभी आगे डिटेल में। एक एक चीज ये कही गई 34 नंबर में कि कई बार क्या होता है, कर्मचारी गुमशुदा हो गया, गायब हो गया, तो गायब कब मानते हैं? थोड़ी कि हमने कह दिया कि गायब तो गायब नहीं, गायब हो गया आपने एफआईआर करवाई हो, एफआईआर जिस दिन हुई उस एफआईआर से अगर 6 महीने के बाद भी अगर कर्मचारी नहीं पाया जाता है, मिला नहीं, तो 6 महीने के बाद फिर भुगतान किया जाएगा एक्स ग्रेशिया की, उसका एक्स ग्रेशिया गुमशुदा होने की तिथि से मिलेगा, लेकिन मिलेगा 6 महीने के बाद, क्योंकि 6 महीने के बाद फिर ये मान लिया जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है ये, ठीक है। तो वो सरकारी कर्मचारी के परिवार से क्षतिपूर्ति बंध पत्र भी लिया जाएगा कि गुमशुदा सरकारी कर्मचारी से प्राप्त किया जाएगा। ये केस है जब गायब हो जाता है तो। लेकिन इसी का दूसरा रूल क्या कहता है, क्या सेवा के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी विभागीय या कोई न्यायिक कार्रवाई आरंभ की गई और फिर वो गुमशुदा हो जाए, यानी कि किसी के ऊपर कोई विभागीय जांच चल रही थी या कोई न्यायिक कार्रवाई हुई उसके ऊपर और वो फिर गायब हो जाए, तो फिर ये नियम उपबंध लागू नहीं होंगे। ऐसा ऐसे ही मामले में फिर उसको एक्स ग्रेशिया, उसके परिवार को लाभ जब ही मिलेगा जब जो उसके ऊपर कार्रवाई जो भी थी, जब उस कार्रवाई का निर्णय आ जाएगा, वो कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, जब देखा जाएगा इनको ये चीज मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो ऐसे केस में ये होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं थी, नॉर्मल वो गुमशुदा हो गया, तो फिर उसके परिवार को मिलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद मिलेगा, जिस दिन से गुमशुदा हुआ उसी डेट से एरियर मिल जाएगा आपको। इसका मतलब इसका तीसरा और करके वीडियो खत्म करते हैं, फिर आगे वीडियो में बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और इससे पहले की वीडियो देख लेना। अब तीसरा पॉइंट है, कोई सरकारी कर्मचारी जो कपट या अपराध के बाद गुमशुदा हो गया, मतलब किसी से कर्जा ले लिया हो, किसी का कोई क्राइम कर दिया और फिर वो गायब हो जाए, तो अनुकंपीय वित्तीय सहायता जो है ना, वो केवल न्यायालय के द्वारा ही दोष मुक्त होने पर या विभागीय कार्रवाई समाप्त होने पर जो भी स्थिति होगी उसके बाद ही स्वीकृत की जाएगी। तो ये है इस चीज का ये। तो इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय रहना आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।